तीन दिन के भीतर दो पेट्रोल पंप लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने इस मामले में चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लोडेड जिंदा कट्टा एवं मोबाइल और चोरी के बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस सघन पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि वैशाली जिला के महुआ थाना क्षेत्र के हकीमपुर पेट्रोल पंप पर 31 मार्च को हथियार के बल पर अपराधियों ने नोजल मैन से 60,000 रुपये की लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसके तीन दिन बाद ही अपराधियों ने महुआ के खेपट कॉलेज के पास स्थित पेट्रोल पंप पर भी धावा बोलकर नोजल मैन से लगभग 35,000 रुपये की लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद से पुलिस अपराधियों की गिरफ्तार के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। वहीं पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि शेरपुर प्यारे गांव के गाछी में कुछ अपराधकर्मी अपराध की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने गाछी में धावा बोला। इस दौरान पुलिस ने चार अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें कटहरा ओपी थाना क्षेत्र के मजिया हाशमी चौक निवासी मोहम्मद एनुल के पुत्र मोहम्मद सैयद, मोहम्मद मिंटू के पुत्र मोहम्मद आजाद, चेहरा खुर्द गांव निवासी महेश पासवान के पुत्र मुन्ना पासवान एवं महेश राम के पुत्र विपिन राम को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, दो दिंजा कारतूस, चोरी का बाइक, लूटे गए दो मोबाइल भी बरामद किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि विपिन राम और मोहम्मद सैयद का आपराधिक इतिहास भी है। पिछले दिनों महुआ थाना क्षेत्र में कुछ लूट की घटनाएं हुई थी, जिसमें कि महत्वपूर्ण रूप से दो पेट्रोल पंप पे, अमाउंट तो ज़्यादा नहीं था लेकिन पेट्रोल पंप पे लूट की घटना होने के चलते उसकी गंभीरता काफ़ी थी। तो उसको लेकर के SDPO महुआ के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें DIU के पदाधिकारी, DIU के इंस्पेक्टर और महुआ थानाध्यक्ष को लगाया गया था, जिसमें कि जो पूर्व के क्रिमिनल थे उन पर हम लोग फोकस किए और उन लोग का मैनुअल इनपुट भी लिया गया। इनपुट लेने के क्रम में कुछ एक गैंग का पता चला कि ये गैंग एक्टिव है, उसके बारे में हम लोग छानबीन कर ही रहे थे। तभी कल सूचना प्राप्त हुई कि शेरपुर या एक गाछी के पास ये लोग एकत्रित हैं, पुनः किसी घटना को कागित करने वाले हैं। तो इसी को लेकर के सारी टीम को उसमें उनको नैब करने के लिए भेजा गया। तो छापामारी के क्रम में टीम में से चार अपराधकर्मियों को पकड़ने में पुलिस की टीम द्वारा सफलता प्राप्त की गई। उन लोग से पूछताछ करने पर उन्होंने जो पेट्रोल पंप पर लूट की दो घटनाएं हुई थी, एक 31 मार्च को हुई थी और एक 4 अप्रैल को, दोनों घटनाओं के बारे में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उनके निशानदेही पर जो लूट में मोबाइल जो लूट के गया हुआ था, वो 4 में से 3 मोबाइल को भी बरामद कर लिया गया जो मोबाइल लूटे गए थे। उसके अलावा कुछ कैश अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं था जो लूटा गया था। इन लोग के द्वारा बताया 30-35 हज़ार के रेंज में ही जो लूट हुई थी। तो उसमें से कुछ पैसा तो ये लोग खर्च कर दिए, कुछ 12,900 रुपये बचे हुए थे जो उनके पास से बरामद किया गया है। इनके पास से एक देसी कट्टा और दो गोली भी बरामद किया गया और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी जो इनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा था वो बरामद किया गया है। तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। मामले में साक्ष्य भी एकत्रित हुआ, जिसमें कि मोबाइल जो लूटा गया था वो बरामद हो गया है। वो बहुत साक्ष्य है इसमें घटना को लेकर के, तो गैंग पूरा बस्ट हुआ है और टीम को पूरी सफलता मिली है। इससे उम्मीद है कि आने वाले समय में महुआ क्षेत्र में जो क्राइम है उसमें कमी आएगी। जो पकड़े गए हैं सर, उनके बारे में कोई स्पेसिफिक कोई बैकग्राउंड वगैरह? हाँ, दो का इसमें से पूर्व से अपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व के एक लूट के मामले में दो अपराधकर्मी शामिल हैं, विपिन राम और मोहम्मद सैयद हैं, जो पहले से घटना में शामिल रहे हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग को इनिशियल इनपुट मिली थी कि ये लोग इस तरह का घटना कर रहे हैं। तो फिर फायदा हम लोग जब इंटेलिजेंस कलेक्शन और लोगों से इनपुट लिया गया तो उससे मामले का खुलासा हुआ। फिर जब ये लोग पकड़ लिया गया तो फिर पूरी तरह से मामले का खुलासा हो गया। इसमें से सैयद जो है वो एक तरह से अब गिरोह का संचालन कर रहा था।